जीका से पहले, जब बीमारी कंफर्म होने से पहले जब डॉक्टर ने बोला कि काफ़ी सीरियस पोजीशन है, उस टाइम तो बस सभी रो रहे थे, सभी मायूस थे। लेकिन जब जीका कंफर्म हुआ तो लगा कि चलो हाँ पकड़ में आ गया, तो डॉक्टर अब इसका इलाज करेंगे। सही है, बात वही हुआ। फिर सर्च किया कि हाँ जीका है, उसी हिसाब से ट्रीटमेंट किया उन्होंने डॉक्टर ने। दो चार दिन बुखार आया, इसीलिए हमने मतलब जांच हुई तो ये इस बीमारी है, तो हमने एडमिट कर दिया। और जीका वार्ड में हम करीब 8 दिन या 9 दिन रहे। 3 नवंबर को डॉक्टर ग्रुप कैप्टन देवाशीष महापात्रा साहब ने मुझे डिस्चार्ज दिया, 1 महीने का सिक लीव दिया और अभी हम फिलहाल आपके सामने बैठे हैं। जब हम यहाँ आए इस मोहल्ले में तो हमने देखा कि ये मोहल्ला काफ़ी गंदा है, बहुत गंदा है। यहाँ पे शुअर वगैरह सब घूम रही हैं, सभी बगल में झुंड है, उनका बाड़ा है, ये गांव वाले सब रखे हुए हैं सब। और इन रोड़ों पे खूब बढ़िया से वो दौड़ धूप करती हैं सब शुअर वगैरह। बगल में आधी किलोमीटर दूर यहाँ एक तालाब है, उस तालाब के किनारे भी बहुत गंदगी है, बहुत ज़्यादा गंदगी है। और यहाँ कोने पर जहाँ अभी सफाई हो चुका है, यहाँ इतना ज़्यादा गंदा था, सब कचरा ये गांव वाले सब ला के वहीं फेंक दिया करते थे। हालांकि वो कचरा हफ्ते में एक दिन उठाया जाता था, वो आते थे सब सफाई वाले उठा के, लेकिन चूंकि सड़ जाता था, बदबू आती थी और इस कदर यहाँ मच्छर घूम रहे थे जब। लेकिन जब ये केस मेरा आया है तब से इतनी अच्छी क्लीनिंग हो गई यहाँ पर, ये इलाका सब साफ कर दिया गया ये जो कचरा वाला था। अभी हम लोग शाम के वक्त, ये मच्छर जो है वो सुबह और शाम को काटता है, तो हम लोग फुल स्लीव पहन रहे हैं और हमारे घर में हाँ ओडोमास लगा रहे हैं हम लोग, प्लस कहीं पानी बिल्कुल मेक श्योर कर रहे हैं पानी कहीं पे भी स्टोर ना हो क्योंकि लार्वा बन सकता है, प्लस हम लोग हेट ये सब खरीद के रखे हैं, मच्छरदानी लगा रहे हैं, तो हम लोग अपनी तरफ से पूरा प्रिकॉशन ले रहे हैं कि मच्छर मतलब किसी को आए ना, घर में ना आए। जीका वायरस कोई नया वायरस नहीं है, ये पहली बार 1947 में युगांडा नाम की एक देश है वहाँ पे जीका के जंगलों में ये मंकीज़ में यानी बंदरों में पाया गया था। ये आरएनए वायरस है और इसकी जो इलनेस होती है उसमें 80% से 60% लोग एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनमें सिम्टम आते हैं, मरीज़ को पता ही नहीं लगता है। जो 20 से 40% लोग होते हैं उनमें कुछ कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे तेज़ बुखार होना, शरीर में चकत्ते पड़ना, सर दर्द होना, कंजंक्टिवाइटिस यानी आँखों का लालपन हो जाना, जोड़ों में दर्द, मसल्स में दर्द इत्यादि। किसी भी तरह का बुखार या शरीर में चकत्ते पड़ने पे कृपया करके किसी मेडिकल स्टोर से दवा ना लें, किसी झोला छाप डॉक्टर को ना दिखाएं, कृपया रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को जाके दिखाएं, वो आपकी जाँच कराएगा, जांच कराने में आपका डायग्नोसिस बनाएगा, डेंगू मलेरिया टाइफॉइड इत्यादि की जांच कराएगा, अगर वो सब नेगेटिव आती हैं तब वो जीका वायरस के बारे में सोच सकता है और आपकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करेगा। उनके आ जाते हैं, उनको मैं समझाता हूँ कि ये जीका इस समय जो मच्छर के द्वारा चल रहा है तो इससे आप बचाव करिएगा, मच्छरदानी का प्रयोग करिएगा, हीट लगाइए, मोर्टीन लगाइए, फुल बाही के कपड़े पहनिए, ये उनको हम जा करके समझाते हैं और छिड़काव का कार्य करते हैं, स्वास्थ्य का प्रचार प्रसार करते हैं। तो सोटी में हमारी सर्विलेंस के लिए घर घर हाउस टू हाउस की सर्वे कर रही हैं, सोटी में हमारी जो है सोर्स रिडक्शन के लगी हुई हैं और 50 टीमें हमारी वो सैंपल लेने के लिए हैं, जिसमें जो उनके कॉन्टैक्ट पर्सन है वो या कोई सिम्टोमेटिक है वो या गर्भवती माता है वो एरिए का सैंपल कर रहे हैं। जो मॉस्किटोज हैं जहाँ जहाँ से पॉजिटिव केसेस आए हैं ब्रीडिंग साइट से मॉस्किटोज लिए हैं, एक दो साइट से तो जीका एक साइड से मिला है, जीका जिसमें पॉजिटिव या जीका वेक्टर के साथ मॉस्किटो मिला है, बट अब ये तो कोई क्लियर कट क्लैरिटी से नहीं बता सकते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ से आया, चूंकि ट्रैवल हिस्ट्री भी हम लोगों ने देखा, प्राइमरी कॉन्टैक्ट भी हम लोगों ने देखा, बट स्पेसिफिकली जैसे इनिशियल जितने भी केसेस आए थे उनके किसी के भी कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं थे, ना ही वो कोई संपर्क में आए थे, तो वो सारे एंकल प्राइमरी कॉन्टैक्ट हम लोगों ने लगभग 400 लोगों को ट्रेस किया, लगभग 2500 सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस किया है, बट वो जो ट्रैवल हिस्ट्री वाला एंगल से तो कोई क्लियर कट कोई लिंक नहीं एस्टैब्लिश हो रहा है।
ये देखिए, हमको लखनऊ से निर्देश प्राप्त हुए थे कि लखनऊ के कानपुर के सब आसपास जो ब्लॉक हैं जो कानपुर से लगते हैं, एक तो उनकी लिस्ट दे दें आप। तो परसों जो है ना, हमने 2 तारीख को एक तो कन्नौज की और दूसरा तिरुवा की ये लिस्ट भेज दी थी, ये कानपुर नज़दीक पड़ते हैं। उसके बाद से उन्होंने कहा कि जो विलेज अफेक्टेड हैं जहाँ पे बुखार कैसे ज़्यादा निकल रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ सैंपल भिजवाइए लखनऊ लैब के लिए। तो वहाँ से हमने 3 तारीख को 32 सैंपल भिजवाए थे कपूरापुर से, उसमें से कल रात को 1 केस पॉजिटिव आया है।